टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्ड THROUGH थ्रू के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, राइट? सो इसको हम यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में बताने के लिए, जब कोई भी चीज़ किसी माध्यम से आप जाते हैं वहाँ पे थ्रू का यूज करते हैं। जैसे वी वॉक थ्रू द पार्क, हम पार्क के बीच से उस साइड आए। सी लुक्ड थ्रू द विंडो, विंडो से जो हमने देखा या उसने देखा। सी ही रीड थ्रू द इंटायर बुक, वो पूरी किताब को पढ़ डाला, राइट? दे ड्राइव थ्रू द सिटी, दे ड्राइव थ्रू द सिटी का मतलब होता है वो सिटी के बीच से गुजरा, ड्राइव किए। सी वेंट थ्रू द टनल, सर्कुलर स्पेस फ्रॉम जहाँ से हम जा सकते हैं उसको टनल बोलते हैं। सी वेंट थ्रू द टनल, जैसे मेट्रो टनल से गुजरती है, बहुत सारी टनल्स बनाई जाती है मेट्रोस को पास करने के लिए, बहुत सारी टनल्स हिली एरिया में बनाई जाती हैं बस कार और व्हीकल को पास करने के लिए, इवन ट्रेन के लिए भी बनाई जाती है। सो सी वेंट थ्रू द टनल, ही सर्च थ्रू द ड्रावर, मतलब उसने पूरे ड्रावर को खोज डाला। ही पास्ड थ्रू द गेट, वो गेट से पास किया, गेट के सामने से निकला। सी स्क्रोल थ्रू हर फोन, उसने अपने फ़ोन को स्क्रोल किया। ही सॉर्टेड थ्रू द पेपर, उसने पेपर को शॉर्टलिस्ट किया, अलग किया। वी ट्रेवल्ड थ्रू द नाइट, हम पूरी रात यात्रा किए। तो थ्रू का मतलब होता है किसी माध्यम से होकर जाना या किसी पर्टिकुलर एरिया में चीज़ों को पूरी तरह सर्च करना, दैट्स कॉल्ड थ्रू। ठीक है, जैसे ही सर्च थ्रू द डेक्स, मतलब उसने पूरे डेक्स को सर्च किया, यहाँ पे इसका मतलब ये है, राइट? सो आई होप इट इज क्लियर। यू मस्ट यूज इट इन योर कम्युनिकेशन, इट्स वेरी इजी माय डियर। सो दैट एंड यू मस्ट राइट टू एग्जांपल्स इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई अंडरस्टैंड दैट यू गॉट अंडरस्टैंड यू अंडरस्टूड द यूज ऑफ दिस वर्ड THROUGH।